सदर विधानसभा के कार्यकर्ताओं को हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने जीत का मंत्र दिया। सदर विधान स्तरीय बैठक का आयोजन कर उन्होंने कहा कि उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ता है बल्कि हर एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है और यही खासियत बीजेपी को आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाई है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव निर्णायक चुनाव साबित होने जा रहा है। हजारीबाग से बीजेपी कार्यकर्ताओं के बदौलत रिकॉर्ड मत से जीत हासिल करेगी और इस चुनाव में बीजेपी की सरकार राज्य में बनने जा रही है। उन्होंने हजारीबाग से पूरे राज्य की समस्या पर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि आज के समय में बांग्लादेशी घुसपैठ सबसे बड़ी समस्या बनकर उभर गई है जो राज्य की डेमोग्राफी को भी बदल रही है। बांग्लादेशी अब हर एक जिले में सक्रिय नजर आ रहे हैं जो फेरी वाले से लेकर कबाड़ खरीदने वाले के रूप में भी घूम रहे हैं और वहीं बेरोजगार और उन्होंने कहा कि रोजगार देने के नाम पर पद को ही बेच दिया जाता है। उन्होंने और क्या कुछ कहा सुन। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, बहुत बड़े संख्या में हमारे पास कार्यकर्ता है। तो एक दिन के नोटिस में आप देख सकते इतने सारे लोग केवल सदर विधानसभा के आज यहाँ पर उपलब्ध थे। तो लोग लगे हैं अपना चुनाव में और हम लोग का तो काम ही है मीटिंग करना, लोगों को प्रेरित करना, लोगों को आगे बढ़ाना। तो आज लोगों को जो है हम लोगों ने आग्रह किया कि सब लोग फील्ड में लगे और अपने सरकार के बदलाव की तरफ काम करें। आज हम लोग का कार्यकर्ताओं का मिलन हुआ, आज प्रदीप प्रसाद का हम के लिए हम लोग जुटे हुए थे। अब हम लोग संकल्प लिए हैं कि पिछला विधानसभा में जो वोट लाए थे वह रिकॉर्ड हम लोग तोड़ेंगे और इस बार हम लोग भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार हम लोग बनेंगे। कार्यकर्ता लोग आज यहां पर उपस्थित हुए सभी मंडल से हजारीबाग सदर विधानसभा क्षेत्र का और एक जोश और उत्साह के साथ यहां से एक मार्गदर्शन लेके जा रहे हैं कि हमारे जो प्रत्याशी प्रदीप प्रसाद जी हैं उनको भारी बहुमत से जिताना है और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत की सरकार को बनाना है। यहाँ ऊर्जा जो भरने का काम बोल रहे हैं आप लोग तो शायद यहाँ जरूरत नहीं, ऊर्जा पहले से बहुत ज़्यादा भरा हुआ है और हजारीबाग का जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण हैं उनमें ऊर्जा की कोई कमी नहीं है, पूरा देश जानता है और हजारीबाग सबसे सेफ सीट में गिना जाता है। तो ऊर्जा तो यहाँ भरा हुआ, निश्चित तौर पर इस बार ऊर्जा कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। हजारीबाग सदर विधानसभा के कार्यकर्ताओं को हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने जीत का मंत्र दिया। सदर विधान स्तरीय बैठक का आयोजन कर उन्होंने कहा कि उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ता है बल्कि हर एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है और यही खासियत बीजेपी को आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाई है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव निर्णायक चुनाव साबित होने जा रहा है। हजारीबाग से बीजेपी कार्यकर्ताओं के बदौलत रिकॉर्ड मत से जीत हासिल करेगी और इस चुनाव में बीजेपी की सरकार राज्य में बनने जा रही है। उन्होंने हजारीबाग से पूरे राज्य की समस्या पर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि आज के समय में बांग्लादेशी घुसपैठ सबसे बड़ी समस्या बनकर उभर गई है जो राज्य की डेमोग्राफी को भी बदल रही है। बांग्लादेशी अब हर एक जिले में सक्रिय नजर आ रहे हैं जो फेरी वाले से लेकर कबाड़ खरीदने वाले के रूप में भी घूम रहे हैं और वहीं बेरोजगार और उन्होंने कहा कि रोजगार देने के नाम पर पद को ही बेच दिया जाता है। उन्होंने और क्या कुछ कहा सुन। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, बहुत बड़े संख्या में हमारे पास कार्यकर्ता है। तो एक दिन के नोटिस में आप देख सकते इतने सारे लोग केवल सदर विधानसभा के आज यहाँ पर उपलब्ध थे। तो लोग लगे हैं अपना चुनाव में और हम लोग का तो काम ही है मीटिंग करना, लोगों को प्रेरित करना, लोगों को आगे बढ़ाना। तो आज लोगों को जो है हम लोगों ने आग्रह किया कि सब लोग फील्ड में लगे और अपने सरकार के बदलाव की तरफ काम करें। आज हम लोग का कार्यकर्ताओं का मिलन हुआ, आज प्रदीप प्रसाद का हम के लिए हम लोग जुटे हुए थे। अब हम लोग संकल्प लिए हैं कि पिछला विधानसभा में जो वोट लाए थे वह रिकॉर्ड हम लोग तोड़ेंगे और इस बार हम लोग भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार हम लोग बनेंगे। कार्यकर्ता लोग आज यहां पर उपस्थित हुए सभी मंडल से हजारीबाग सदर विधानसभा क्षेत्र का और एक जोश और उत्साह के साथ यहां से एक मार्गदर्शन लेके जा रहे हैं कि हमारे जो प्रत्याशी प्रदीप प्रसाद जी हैं उनको भारी बहुमत से जिताना है और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत की सरकार को बनाना है। यहाँ ऊर्जा जो भरने का काम बोल रहे हैं आप लोग
तो शायद यहाँ जरूरत नहीं, ऊर्जा पहले से बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। और हजारीबाग का जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण हैं उनमें ऊर्जा की कोई कमी नहीं है, पूरा देश जानता है और हजारीबाग सबसे सेफ सीट्स में गिना जाता है। तो ऊर्जा तो यहाँ भरा हुआ, निश्चित तौर पर इस बार ऊर्जा कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। हजारीबाग सदर विधानसभा के कार्यकर्ताओं को हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने जीत का मंत्र दिया। सदर विधान स्तरीय बैठक का आयोजन कर उन्होंने कहा कि उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ता है बल्कि हर एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है और यही खासियत बीजेपी को आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाई है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव निर्णायक चुनाव साबित होने जा रहा है। हजारीबाग से बीजेपी कार्यकर्ताओं के बदौलत रिकॉर्ड मत से जीत हासिल करेगी और इस चुनाव में बीजेपी की सरकार राज्य में बनने जा रही है। उन्होंने हजारीबाग से पूरे राज्य की समस्या पर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि आज के समय में बांग्लादेशी घुसपैठ सबसे बड़ी समस्या बनकर उभर गई है जो राज्य की डेमोग्राफी को भी बदल रही है। बांग्लादेशी अब हर एक जिले में सक्रिय नजर आ रहे हैं जो फेरी वाले से लेकर कबाड़ खरीदने वाले के रूप में भी घूम रहे हैं और वही बेरोजगार। और उन्होंने कहा कि रोजगार देने के नाम पर पद को ही बेच दिया जाता है। उन्होंने और क्या कुछ कहा सुन। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, बहुत बड़े संख्या में हमारे पास कार्यकर्ता है। तो एक दिन के नोटिस में आप देख सकते इतने सारे लोग केवल सदर विधानसभा के आज यहाँ पर उपलब्ध थे। तो लोग लगे हैं अपना चुनाव में और हम लोग का तो काम ही है मीटिंग करना, लोगों को प्रेरित करना, लोगों को आगे बढ़ाना। तो आज लोगों को जो है हम लोगों ने आग्रह किया कि सब लोग फील्ड में लगे और अपने सरकार के बदलाव की तरफ काम करें। आज हम लोग का कार्यकर्ताओं का मिलन हुआ, आज प्रदीप प्रसाद का हम लोग के लिए हम लोग जुटे हुए थे। अब हम लोग संकल्प लिए हैं कि पिछला विधानसभा में जो वोट लाए थे वह रिकॉर्ड हम लोग तोड़ेंगे और इस बार हम लोग भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार हम लोग बनेंगे। कार्यकर्ता लोग आज यहां पर उपस्थित हुए सभी मंडल से हजारीबाग सदर विधानसभा क्षेत्र का और एक जोश और उत्साह के साथ यहाँ से एक मार्गदर्शन लेके जा रहे हैं कि हमारे जो प्रत्याशी प्रदीप प्रसाद जी हैं उनको भारी बहुमत से जिताना है और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत की सरकार को बनाना है। यहाँ ऊर्जा जो भरने का काम बोल रहे हैं आप लोग, तो शायद यहाँ जरूरत नहीं, ऊर्जा पहले से बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। और हजारीबाग का जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण हैं उनमें ऊर्जा की कोई कमी नहीं है, पूरा देश जानता है और हजारीबाग सबसे सेफ सीट्स में गिना जाता है। तो ऊर्जा तो यहाँ भरा हुआ, निश्चित तौर पे इस बार ऊर्जा कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। हजारीबाग सदर विधानसभा के कार्यकर्ताओं को हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने जीत का मंत्र दिया। सदर विधान स्तरीय बैठक का आयोजन कर उन्होंने कहा कि उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ता है बल्कि हर एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है और यही खासियत बीजेपी को आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाई है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव निर्णायक चुनाव साबित होने जा रहा है। हजारीबाग से बीजेपी कार्यकर्ताओं के बदौलत रिकॉर्ड मत से जीत हासिल करेगी और इस चुनाव में बीजेपी की सरकार राज्य में बनने जा रही है। उन्होंने हजारीबाग से पूरे राज्य की समस्या पर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि आज के समय में बांग्लादेशी घुसपैठ सबसे बड़ी समस्या बनकर उभर गई है जो राज्य की डेमोग्राफी को भी बदल रही है। बांग्लादेशी अब हर एक जिले में सक्रिय नजर आ रहे हैं जो फेरी वाले से लेकर कबाड़ खरीदने वाले के रूप में भी घूम रहे हैं और वही बेरोजगार। और उन्होंने कहा कि रोजगार देने के नाम पर पद को ही बेच दिया जाता है। उन्होंने और क्या कुछ कहा सुन। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, बहुत बड़े संख्या में हमारे पास कार्यकर्ता है। तो एक दिन के नोटिस में आप देख सकते इतने सारे लोग केवल सदर विधानसभा के आज यहाँ पर उपलब्ध थे। तो लोग लगे हैं अपना चुनाव में और हम लोग का तो काम ही है मीटिंग करना, लोगों को प्रेरित करना, लोगों को आगे बढ़ाना। तो आज लोगों को जो है हम लोगों ने आग्रह किया कि सब लोग फील्ड में लगे और अपने सरकार के बदलाव की तरफ काम करें। आज हम लोग का कार्यकर्ताओं का मिलन हुआ, आज प्रदीप प्रसाद का हम लोग के लिए हम लोग जुटे हुए थे। अब हम लोग संकल्प लिए हैं कि पिछला विधानसभा में जो वोट लाए थे वह रिकॉर्ड हम लोग तोड़ेंगे और इस बार हम लोग भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार हम लोग बनेंगे। कार्यकर्ता लोग आज यहां पर उपस्थित हुए सभी मंडल से हजारीबाग सदर विधानसभा क्षेत्र का और एक जोश और उत्साह के साथ
यहाँ से एक मार्गदर्शन लेके जा रहे हैं कि हमारे जो प्रत्याशी प्रदीप प्रसाद जी हैं उनको भारी बहुमत से जिताना है और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत की सरकार को बनाना है। यहाँ ऊर्जा जो भरने का काम बोल रहे हैं आप लोग, तो शायद यहाँ जरूरत नहीं, ऊर्जा पहले से बहुत ज्यादा भरा हुआ है और हजारीबाग का जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण है उनमें ऊर्जा की कोई कमी नहीं है, पूरा देश जानता है।